पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम में घायल ममता बनर्जी ने आज विरोधियों को व्हीलचेयर से ललकारा है। उन्होंने फिर से भाजपा को चुनौती दी है। कोलकाता में रविवार को ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर सवार होकर रैली की। ममता बनर्जी ने भाजपा को चुनौती दी कि जख्मी शेरनी ज़्यादा खतरनाक होती है। ममता बनर्जी दो दिन पहले ही SSKM अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं। 10 मार्च को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान वे घायल हो गई थी। रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, उन्होंने जीवन में कई हमलों का सामना किया है लेकिन कभी सिर नहीं झुकाया है। ममता ने कहा, अगर लोग हमें वोट देते हैं तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लोकतंत्र उनके पास लौट आए। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं व्हीलचेयर पर टूटे पैर के साथ प्रचार करूँगी। खेला होवे, एक घायल बाघ सबसे खतरनाक जानवर है। रैली से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हम निर्भीक होकर लड़ते रहेंगे। मैं अभी भी बहुत दर्द में हूँ लेकिन मुझे खुद से ज़्यादा अपने लोगों का दर्द अधिक महसूस होता है। हमारी जमीन की रक्षा करने के लिए इस लड़ाई में हमने बहुत कुछ सहा है और भी सहेंगे, लेकिन हम कायरों की तरह झुकेंगे नहीं। 10 मार्च को नंदीग्राम में सड़क मार्ग से चुनावी कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी को चोट लगी थी। ममता बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना को हमला बताया। घायल होने के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि 4-5 लोगों ने गाड़ी एकदम से बंद कर दी, बहुत चोट लग गई। वहां लोकल पुलिस से भी कोई नहीं था, किसी की साजिश जरूर है या जानबूझकर किया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले की आशंका से इनकार किया। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक राज्य में ऑब्जर्वर्स और मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। 13 मार्च को चुनाव आयोग को सौंपी गई 2 पोल ऑब्जर्वर्स रिपोर्ट में कहा गया है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुआ हमला प्लान नहीं किया गया था। एजेंसी के मुताबिक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि ममता बनर्जी नामांकन दाखिल करने के बाद 10 मार्च को नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार में हुई घटना अचानक हुई थी। ममता के साथ हुई घटना के बारे में चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी और राज्य के लिए 2 ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की थी। स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर विवेक दुबे और स्पेशल ऑब्जर्वर अजय नायक ने शनिवार को घटना स्थल पर जाकर जांच की और फिर रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से चुनाव आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि नंदीग्राम में 10 मार्च को ममता बनर्जी को कार के दरवाजे से चोट लगी। इसमें यह नहीं कहा गया है कि कार का दरवाजा उनके पैर पर कैसे लगा। सरकार की रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया है कि चोट कैसे लगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।